स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में हिंदुओं के समान उदार श्रेष्ठ उच्च आदर्शों वाला धर्म कोई नहीं है, और दुनिया में अपने प्रति विस्मृति रखने वाला, अपनी याददाश्त खो बैठने वाला, अपने ही प्रति हीन भावना रखने वाला, अपनी ही संस्कृति और सभ्यता के प्रति तिरस्कार की भावना रखने वाला, अपने हिंदू अभी बता रहे थे यहाँ पे कि चीन के लोग, थाई लोग अपने अपने नए साल को मनाने के लिए 7-7 दिन की छुट्टी लेते हैं। हम अपने नए साल के उसका अर्थ समझ लें, उसका रिहाज समझ लें, उसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है यह समझने के लिए अगर वक्त ना निकाल पाए तो उस जाति की रक्षा करने के लिए ईश्वर भी अवतार लेने के मना है। अपने आप को हिंदू कहते हो, किस आधार पे अपने आप को हिंदू? आनंद होता है, इसलिए आनंद होता है कि आपके यहां से ऋषि आए थे, उन्होंने इस देश को काम्बोज नाम दिया, और यहां पे उन्होंने नाग कन्या से विवाह कर काम्बोज देश की स्थापना की, और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंधपूर्वाद कम्बोडिया में है। कम्युनिस्ट सरकार है, पर उनके राष्ट्रीय ध्वज पर जैसे भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र है, उनके ध्वज पर अंधपूर्वाद मंदिर का रेखा चित्र अंकित है। आपको गर्व और अभिमान होना चाहिए कि आपके पूर्वज इतने पराक्रमी और इतने उदार थे कि आज भी दुनिया में उनकी यशो गाथा आदर और सम्मान के साथ याद की जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू अपना हिंदू इतिहास भूलने लगे, लेकिन सारी दुनिया के लोग आज भी हिंदू इतिहास के प्रति अभिमान पूर्वक उसकी याद करते हैं। इस इतिहास के बाद किया भारत सरकार, हांगकांग के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अरबपति हैं, उनका घर हांगकांग में कहा जाता है बकिंगम पैलेस जैसा है, कांच शीशे का महल जैसा। उन्होंने कहा कि करुण मैं तुमको अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, अभी जिंदा है वह हांगकांग में, वो मुझे नरीमन पॉइंट रुका, दिल्ली रुका, बॉम्बे रुका, 2 महीने के बाद घर गया तो माने कहा बॉब व्हाट डिड यू सी इन इंडिया, टेल मी बेटा तू 2 महीने घूम के आया है, हिंदुस्तान घूम के आया है, हिंदुस्तान में तूने जयपुर में क्या देखा, दिल्ली में क्या देखा, बॉम्बे में क्या देखा, मुझे बताओ। उसने कहा बॉब नेवर अगेन प्लीज टेल मी टू गो टू इंडिया, आई एम ए चाइनीज सिटीजन, आई होल्ड दिस चाइनीज पासपोर्ट। सामने गया, 1 मिनट खड़ा रहा, वापिस आया, माँ ने कहा बेटा क्या देखा, उसने कहा मॉम व्हाट डिड आई सी, आई सॉ माय फेस, माँ ने कहा बेटा तेरे माथे पे हिंदुस्तान खुदा है, वो नहीं देखा तूने, तो दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, किसी भी मुल्क का पासपोर्ट ले लेगा, किसी भी जगह की सिटीजनशिप ले लेगा, कहीं की भी भाषा बोलने लगेगा, लेकिन हमेशा जिंदगी भर तुझको हमेशा यही कहा जाएगा बॉब हरिलीला ऑफ इंडियन ओरिजिन, बॉब हरिलीला ऑफ इंडियन ओरिजिन, वेदर यू होल्ड जर्मन पासपोर्ट, यू होल्ड यूरोपियन पासपोर्ट, यू होल्ड चाइनीज पासपोर्ट, पर तू अपने माथे से हिंदुस्तान जमीन बिछा नहीं सकता। ने कहा कि तरुण जी वो दिन था और आज का दिन है, मैं हिंदुस्तान हर साल 2 महीने 3 महीने के लिए आता हूं, अपनी सबसे ज्यादा चैरिटीज में हिंदुस्तान में खर्च करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पहचान मेरे हिंदुस्तान के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। उस हिंदुस्तान के बारे में आप कितना जानते हैं, उस हिंदूपन के बारे में आप कितना जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में आप कितनी एक अनुभूति, कितनी वेदना और कितना दर्द रखते हैं, इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं पिछले साल वॉशिंगटन गया था, वहां पे मुझे वे होलोकॉस्ट म्यूजियम दिखाने के लिए ले गए, 7 मंजिल का होलोकॉस्ट म्यूजियम यहूदियों ने बनाया है, और उन्होंने उस होलोकॉस्ट म्यूजियम को देखना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है यह समझने के लिए कि दुनिया में एक कौम हुई थी जिस पर इतने ज्यादा अत्याचार हुए, दुनिया में एक दूसरी सल्तनत हुई थी हिटलर की जिसने इतनी बर्बरता, अमानुषिकता और पाशविकता के साथ किसी दूसरी कौम पर इतने अत्याचार किए। मैंने कहा ये यहूदी कौम हमसे कितनी छोटी, प्रभाव में कितनी कम, मुल्क में कितनी एकदम लघु,
नायपॉल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में रिव्यू में लिखा कि हिंदू समाज जो है वह सबसे बड़े अभी गजनी फिल्म आई थी आपने देखी होगी अमीर खान उस गजनी फिल्म में जो हीरो है उसकी याददाश्त खो जाती है वो एक मेमोरी लॉस सिंड्रोम का शिकार होता है और उसके कारण से वो अपने शत्रु के एक प्रसंग ऐसा होता है कि अपने दुश्मन के कहने के अनुसार भी काम करने लगता है। हिंदू समाज उसी मेमोरी लॉस सिंड्रोम का शिकार हुआ है। समझाइए आप खूब कमाए खूब विद्या प्राप्त करें खूब बड़े हो जाए दुनिया भर में यशस्वी हो जाए लेकिन अगर आपकी विद्या और आपके धन का आपके धर्म के लिए उपयोग नहीं हुआ तो वह विद्या और वह धन मिट्टी के मोल है ये हमेशा समझना चाहिए। आप लोगों से ज्यादा पराक्रमी आप लोगों से ज्यादा धनवान आप लोगों से ज्यादा कुबेरपति और अरबपति सेठ ढाका में थे कराची में थे ना तक्षशिला में थे और काबुल में थे। उनके पैसे का क्या हुआ क्या उनके पैसे ने उनकी रक्षा की क्या उनके पैसे ने उनके धर्म को बचाया वे पंडित और वे संत और वे महामहोपाध्याय अद्भुत वाणी का पर अधिकार रखने वाले कथाओं और प्रवचन को करने वाले वे आज जैसे हैं उनसे सैकड़ों गुना बेहतर उस समय हुआ करते थे जब हम पर हमले हो रहे थे लेकिन एक कमी थी कि उन्होंने राष्ट्र और धर्म का समन्वय नहीं किया उन्होंने धर्म के साथ राष्ट्र को नहीं जोड़ा राष्ट्र के साथ धर्म को नहीं जोड़ा इस कारण से उनकी विद्या धर्म को नहीं बचा सकी तो वे भी नहीं बचे उनका पराक्रम और धर्म धन को नहीं बचा सका तो वे भी नहीं बचे। देवताओं को बचाने के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता हुआ करती है शस्त्र और शास्त्र का समन्वय हुआ करता है जहाँ समन्वय नहीं होता वे कौन हार जाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर हिंदू समाज का कोई सबसे बड़ा आदर्श हो सकता है तो एकमात्र वह आदर्श हो सकते हैं गुरु गोविंद से सवा लाख से एक लड़ाओ तामे गुरु गोविंद का तेह शिवा वर मोहित है शुभ कर्म दे कर हूं न करो न करो अरि सो जब जाति लड़ो निश्चय कर अपनी जीत कर संत और सिपाही की कर शस्त्र और शास्त्र की कर वे गुरु गोविंद से जिनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह 13 साल और 14 साल की उम्र क्या होती है 13 साल और 14 साल की उम्र सरहद के किले में जिंदा दीवार में चिन्हवा दिए गए थे इस कारण से क्योंकि वे अपने पंथ को छोड़ने से इनकार कर रहे थे। ताजी एक एक ईंट रखता जाता था और बोलता था इस्लाम कबूल के जान बचानी उन्होंने कहा जान नहीं बचानी हम अपना पंथ नहीं छोड़ेंगे जिंदा दीवार में चिन्हवा वे गुरु गोविंद सिंह हमारे आदर्श अपूर्व योद्धा विजेता लेकिन गुरु गोविंद सिंह के चित्र हर हिंदू मंदिर में लगे हुए कहां गए हैं इस प्रति इस प्रकार का स्मृति लोग दुनिया में कहीं नहीं। हम अफगानिस्तान की कितनी रक्षा कर रहे हैं करोड़ों रुपए हम अफगानिस्तान को मदद के लिए दे रहे हैं आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान में एक पहाड़ आप लोगों के पूर्वज वहां पर हजारों की संख्या में उनका कत्ले आम हुआ था। हिंदू कुश का मतलब होता है वह जगह जहां हिंदू कुचले गए आप सहन कर आप सहन करते हैं क्योंकि आपकी याददाश्त हो चुकी आप सहन करते हैं क्योंकि आपके मन में पीड़ा और वेदना समाप्त हो चुकी है कि आपके पूर्वजों ने केवल आपके धर्म का अनुयायी होने के कारण इतने अत्याचार सहन किए थे और हम अपने सत्ताधीशों को उन लोगों को जो संसद को मंदी बनाते हैं अमेरिका से संधि करने के लिए उन पे दबाव डालने में हिचकिचाते हैं कि तुम अफगानिस्तान को मदद तो दो लेकिन उसके सामने शब्द रखो कि हम हिंदुओं को कुचले जाने की याद में पहाड़ नहीं होना चाहिए उस पहाड़ का नाम होना चाहिए हिंदू राज पहाड़।